टेम्परेचर ऑफ सन, इमेजिन करो ये सन जिसका टेम्परेचर टी जो मुझे निकालना है, सन का रेडियस कैपिटल आर, हम अर्थ पे रहते हैं तो अर्थ की दूरी सन से स्मॉल आर, तो रेडिएशंस अर्थ तक आएंगी, ठीक, स्मॉल आर, हम स्मॉल आर डिस्टेंस दूर है, तो एनर्जी सन इज, अगर एज्यूम करें सन इज नॉट अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी, तो सिग्मा इनटू टी की पावर 4 क्या होगा, सन में से एनर्जी रेडिएटेड पर सेकंड पर यूनिट एरिया, और अगर वो परफेक्टली ब्लैक बॉडी नहीं है एमिसिविटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, और अगर वो है तो एंड में एमिसिविटी को क्या पुट करेंगे, 1, तो ये एनर्जी एमिटेड पर सेकंड पर यूनिट एरिया, कितने एरिया ऑफ सन से एनर्जी बाहर निकल रही है, 4 पाई बटा आर स्क्वायर, और एनर्जी पर यूनिट टाइम क्या होती है, पावर, तो ये सॉल्व करके पावर की वैल्यू आ गई, सन की पावर आ गई, ठीक हो यहां तक। अब एक नया कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर रहा है जिसको सोलर कांस्टेंट बोलते हैं, एस, सोलर कांस्टेंट होता है कि पावर ऑफ सन डिवाइडेड बाय कितने एरिया में एनर्जी जा रही है, कितने एरिया में अर्थ तक एनर्जी आ रही है, 4 पाई छोटा आर स्क्वायर, पावर की वैल्यू ऊपर से उठा के यहां पुट कर दें तो ये सोलर कांस्टेंट आ गया, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, टेम्परेचर वाली टर्म्स एक तरफ, बाकी एक तरफ टेम्परेचर ऑफ सन कैन बी कैलकुलेटेड, एमिसिविटी सन की 1 होती है, इट इज ट्रीटेड एज अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी, तो अगर आप एस आर ये सब पुट करें अप्रोक्सीमेट टेम्परेचर सन का 6000 केल्विन के आसपास रहता है,